मेजर अरकाना का पहला कार्ड है द फूल। सबसे पहले कार्ड को गौर से देखना है और समझना है कि कार्ड में जो इमेज है वो हमें क्या बताना चाहती है। सबसे पहले देखो इसका कलर येलो है। येलो कार्ड है कि विजडम, बुद्धि को दर्शाता है और कभी कभी ईगो को भी दर्शाता है। जीरो नंबर दिखाते हैं। जीरो नंबर का मतलब होता है लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, यानी कि ना शुरू पता ना अंत पता, जैसे ब्रह्मांड कहां से शुरू हुआ कहां खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। सूरज का मतलब है कि डिवाइन पे विश्वास करके चलो, विश्वास करोगे तो जिंदगी में लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसके कपड़े देखो रंग बिरंगे कपड़े हैं, यानी यह लड़का मटेरियल वर्ल्ड में रहने वाला है, इसे लग्जरी सुख पसंद है। इसके हाथ में फूल है, यानी कि यह लड़का बहुत प्योर है। और इसको देखो आंखों के, इसका जो चेहरा है आकाश की तरफ है, यानी इसको डिवाइन पर फेथ है, ये भगवान पे विश्वास करके चलता है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए लेकिन अपने भगवान पर ट्रस्ट नहीं छोड़ता। इसके हाथ में डंडा है और पोटली है, इसका अर्थ है इसके पास ज्ञान की पोटली है, इसके पास बहुत सारा ज्ञान है। नीचे पहाड़ है, पहाड़ पे लड़का खड़ा है, इसका मतलब है रिस्क टेकिंग है, ये किसी भी काम को करने के लिए रिस्क ले सकता है। और एक वफादार साथी के रूप में जिसे डॉग को दर्शाया गया है वो उसका वफादार साथी है, जो उसके हर दुख सुख में उसके साथ हमेशा खड़ा रहता है। पर्वत जहां भी होगा वो सक्सेस दिखाता है, अगर पर्वत दूर होगा तो लेट सक्सेस होगी लेकिन सक्सेस मिलती है। पूरे कार्ड को समझने के बाद ये मतलब है, इस कार्ड का पूरा जो मतलब है कि ये कार्ड हमें दर्शाता है कि कोई भी काम करो किसी भी काम में आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और फूल का अर्थ क्या होता है कि फूल किसे बोलते हैं, मूर्ख, मूर्ख वह व्यक्ति होता है जो इमेच्योर होता है, भोला भाला होता है, मस्त भोला होता है, जो किसी की परवाह नहीं करता, सिर्फ भगवान की परवाह करता है, भगवान पर ट्रस्ट करता है, तो उसका अर्थ है होता फूल। लेकिन ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है, यस का कार्ड है, कभी भी ये कार्ड आपके आंसर्स में निकले, प्रेडिक्शन में निकले, तो उसका अर्थ होगा कि आप कोई भी काम करो, न्यू बिगिनिंग करो, न्यू आइडियाज करो, कुछ भी करो, आपको इसमें सफलता मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। मेजर अरकाना का सेकेंड कार्ड है द मैजिशियन। मैजिशियन का अर्थ है कि सब कुछ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। और एक नंबर का मतलब न्यू बिगिनिंग, आप कोई भी काम करो आपको सफलता मिलेगी। और ये पॉजिटिव कार्ड है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, इसका अर्थ है कि ये लोगों तक भगवान के मैसेज पहुंचाता है और भगवान के मैसेज लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। सिद्धि का ऑरा देखो ना, ऑरा बना हुआ है, इसका मतलब इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है और डिवाइन इसके साथ हमेशा इसकी सुनती है और इसकी डिवाइन से कनेक्ट भी है। लाल चौका यानी लाइफ में सक्सेस पा रखी है, ये जो भी काम करता है उसमें सफलता मिलती है। ये इंसान चाहे तो मिट्टी को सोना, सोने को मिट्टी बना सकता है। इस इंसान के अंदर इतनी पावर होती है। मेरे टेबल पर देखो चार एलिमेंट्स रखे हुए हैं, पेंटागन्स, स्वॉर्ड्स, वैंड्स और कप्स, यानी इसने पांच तत्वों को काबू में कर रखा है और ये जो चाहे कर सकता है। ये इस तरह के आदमी हीलर भी होते हैं, जो लोगों की हीलिंग करके लोगों की अंदर की परेशानियों को दूर करते हैं और उनको रिलैक्स करवाते हैं, उनको और उनकी जिंदगी में खुशियां भरते हैं। फ्लावर देख लो, फूल जितने सारे फूल है, इसका मतलब हैप्पीनेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, लाइफ में सक्सेस है, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसके सिर पे बैंड है, यानी कि इसने बहुत सारी नॉलेज है इसके पास, ज्ञान है इसके पास। और कमर में सांप है, इसका मतलब इसने अपने डर को काबू में पा रखा है और अपनी लाइफ को अपने लोगों की हेल्प करके उनके जीवन में खुशियां भरता है। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। अगर ये कार्ड आपका प्रेडिक्शन में आता है तो आपको यस, आप कुछ भी कर सकते हो कि आपके अंदर हीलिंग पावर है, यानी कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो आप कोई भी काम करो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। दिस कार्ड इज यस। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अरकाना का तीसरा कार्ड है द हाई प्रिस्टेस, जिसका अर्थ है धर्म गुरु, गुरु देवी। इसमें आप देख रहे हो कि एक लेडीज बैठी है, साथ में दो पिलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट पिलर का अर्थ यह है कि स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस करके चलती है, इन्हें सही और सच का, सही और झूठ का पता होता है, सही क्या है गलत क्या है। और देखो इनका इनर जो इनका व्हाइट रंग का, इसका मतलब दिल और आत्मा से ये बहुत शुद्ध है। और हरे रंग का चौगा यानी
हीलिंग प्रवृत्ति के लोग हैं, ये लोगों को हील करके, उसकी हीलिंग करके उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको देती है। आज देखो सिर के ऊपर चांद है और नीचे भी चांद है, चांद इमोशन को दिखाता है, लेकिन इस में जो दिखा रहे हैं इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये धरती पे भी चांद को ला सकती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनकी सिक्स सेंस हाई होती है और एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। आप किसी जब चर्च में जाते हो तो आप पोप या नन होते हैं, तो उनसे कुछ एडवाइस मांगते हो किसी बात के लिए, सॉल्यूशन के लिए, तो वो आपको सही सलाह देते हैं, निष्पक्ष होकर राय देते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सीक्रेटिव होते हैं, अपने प्लान किसी को नहीं बताते और ना ही अपने बारे में किसी को बताते। इसके हाथ में बुक है, यानी कि इसके पास बहुत सारा ज्ञान है और अपने ज्ञान को जब कोई लोग इनसे मांगते तभी उनको बांटती है, बिना बात पे ज्ञान नहीं बांटती। लेकिन ऐसे लोग रिलेशनशिप में कभी नहीं रहते, क्योंकि वो सिर्फ भगवान पे आस्था रखते हैं और हमेशा ज्ञान की तरफ भागते हैं और प्रभु के साथ इनका कनेक्शन जुड़ा होता है और इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सेकंड नंबर, दो नंबर का अर्थ होता है कि अप एंड डाउन, यानी कि सबकी लाइफ में अप एंड डाउन होता है, इसका अर्थ है मे बी। तो दिस कार्ड इज मे बी। मेजर अर्काना का चौथा कार्ड है द एम्प्रेस, इसका अर्थ है महारानी। इसके हाथ में देखो एक डंडा है, इसका मतलब छोटी है इसके पास, और गौर से देखो तो ऊपर नंबर का तीन नंबर, तीन नंबर हमेशा ज्ञान का नंबर होता है और ये जो शो करता है मदर फिगर, जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, खुशियां बांटती है, ऐसे ही ये महारानी है, यानी कि ये जो हमेशा खुशियां बांटना पसंद करती है, सबको प्यार देना पसंद करती है। इसके सिर पे जो ताज आप देख रहे हो ना, 12 राशियों का ताज है, यानी ये हर इंसान के साथ मिक्स हो जाती है। साथ में बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो आप इसको, इसका लंबे लंबे पेड़ का अर्थ है कि इनका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये लग्जरी सुख में रहने वाली बंदी है और इसका आप देखो पीछे नीचे घास उगी हुई है, यानी अबंडेंस है, डाउन टू अर्थ है, हर एक को खुशियां बांटती है और इसके अंदर देखो कपड़े बिल्कुल दिल और आत्मा से शुद्ध है, प्योर है। इसके दिल में किसी के प्रति नफरत की भावना, ईर्ष्या द्वेष नहीं है और व्हाइट व्हाइट के साथ साथ आपने देखा लाल रंग के फ्लावर्स बने हुए हैं, यानी हैप्पीनेस, सबको खुशियां बांटने वाली ये लेडीज है और हर एक को खुशियां बांटती है, डाउन टू अर्थ है और लोगों के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना रखी है। और आप देख लो इसके तार, इसके जो तखत, इसके जो सोफा सेट के ऊपर ये सिंबल बना हुआ, यानी कि वीनस का, यानी कि लव, ये सबको प्यार बांटने वाली लेडीज है। और इसको देखो कलर्स जो है विजडम का कलर है, बुद्धिमान है और सबको साथ प्यार से रहती है और प्यार बांटती है और सबके दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना रखी है, डाउन टू अर्थ है इसलिए भी। और ये कार्ड दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड, यस का कार्ड है। ये अधिकतर कार्ड जब निकलता है किसी के प्रेगनेंसी में या कोई घर में कोई मेहमान आता है उसके लिए, उस टाइम ये कार्ड निकलता है कि यस, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपके घर में आ रहा है इंसान, जैसे बेटा, दामाद, बहू, जैसे जब शादी करके बहू आती है तो आप कह रहे हैं यस, ये जो कर रहे हो बिल्कुल सही करो, दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर कारना का पांचवा कार्ड है द एम्परर। एम्परर का मतलब राजाओं के राजा, महाराज। और चार नंबर शो करता है दिमाग की सुनना, ये हमेशा दिमाग की सुनता, किसी की नहीं सुनता, जस्ट लाइक एज ए फादर फिगर। इसमें देखो इनकी दाढ़ी वाइट है, यानी कि इसके पास एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है। और इसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये हार्ड वर्किंग है, लीडरशिप क्वालिटी है और स्टिक पर्सनैलिटी का है, जिद्दी टाइप का है, किसी की नहीं सुनता, डिसीजन मेकर है। और इसके हाथ में डंडा है जो अथॉरिटी को शो करता है कि ये अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है डंडे से, अगर कोई नहीं बात मानेगा तो गुस्से से या डंडे से अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है। हाथों में फल है, यानी इसको मेहनत का फल इसने प्राप्त कर रखा है। स्टील की जूती है, यानी कि वो हर सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसको कोई भी काम दो और फटाफट वो सारे काम करता है। और इसके हाथ में देखो पत्थर का तखत, यानी कि बहुत सिंपल है, हाई फाई नहीं है, लग्जरी सुख पसंद है लेकिन अपनी मेहनत से, किसी की खराब से इसको लेना पसंद नहीं है। और इसके अंदर जो बात खास बात जो इसके अंदर है, सिर पे ताज जो शो करता है अथॉरिटी को कि ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन ये आदमी फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे घर के हेड ऑफ फैमिली होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, जो कह दिया सो कह दिया,
पूरी फैमिली को उसकी बात मनवानी पड़ती है। तो ये कार्ड उस चीज को डिस्क्राइब करता है हमारे घर के मुखिया को, बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर खाना का छठा कार्ड है द हेरोफेंट। हेरोफेंट का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। धर्मगुरु कौन होते हैं? जिनके पास हम जाते हैं अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए। जैसे कि चाबी देख रहे हो ना आप नीचे, इसका मतलब इसके पास सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप कुछ भी सॉल्व लेकर जाओ वो आपको हर बात का आंसर देंगे। ये दो आदमी जो है अनुयायी, यानी कि वो जो कहते हैं उनकी बात को मानते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो सच है। हम किसी भी गुरु के पास जाते हैं अपनी बात को श्रद्धा के साथ कहते हैं कि हमें ये बात हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताओ, तो वो बताते हैं, तो हम उस पर अंधविश्वास करके इस बात को मानते हैं। और देखो एक हाथ में जो डंडा है अथॉरिटी है, यानी कि इसका भगवान से कनेक्शन है। एक हाथ में मुद्रा है, यानी कि ब्लेसिंग है भगवान की इनके पास। ये जो कहती है सही कहती है। और ये इसके जो व्हाइट आपने देखा कपड़ा जो देख रहे हो, ये प्योर है। इन्हें लग्जरी सुख तो पसंद है, लेकिन इनका कनेक्शन भगवान से जुड़ा होता है, इसमें बैलेंस करके चलती है। क्योंकि आप गुरु किसी गुरु के पास जाओ तो गुरु के आप दक्षिणा देते हो, कभी कुछ देखे आते हो तो लालच में पड़ जाता है। तो लेकिन ये इंसान जो है, ये धर्म गुरु है जो है, ये इस पर कंट्रोल करके चलता है और लालच नहीं करता। इनको लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों के बीच में रहना पसंद है, लेकिन अपने सीक्रेट्स कभी नहीं बताते। क्योंकि कभी कभी ऐसे लोग थोड़े से रूढ़िवादी भी होते हैं और अपनी रीति रिवाजों को मानने वाले होते हैं, जो हमने कह दिया सो कह दिया। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। 5 नंबर का मतलब है लाइफ में चेंज। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आने वाला है, जैसे कि आपको एजुकेशन करनी है, हाई एजुकेशन आपको उम्मीद नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप एडवाइस लेने के लिए जाओगे तो कहेंगे हाँ आप कर सकते हो और अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। तो आपकी लाइफ में चेंज आता है किसी की सलाह के बाद। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। मेजर कार्ड का 7वां कार्ड है द लवर्स। कभी भी ये कार्ड जब निकलता है हमेशा न्यू लव में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में और लव मैरिज में, जब भी ये कार्ड निकले इसमें देखो दो लड़का लड़की है न्यूड है, यानी कि वो प्योर है, प्योरिटी है, दोनों रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। कभी कभी ये शो करता है फिजिकल अट्रैक्शन के लिए। और देखो ऊपर डिवाइन की एनर्जी है, वो डिवाइन सी लड़की भगवान से ब्लेसिंग मांग रही है, जो मैं काम कर रही हूँ, जो रिलेशनशिप में जा रही हूँ या मैं शादी कर रही हूँ लव मैरिज में, क्या मेरे लिए सही है। तो ये कार्ड यस का कार्ड है, यस पॉजिटिव कार्ड है कि आप जो भी करो कुछ सही करो, लेकिन कभी कभार थोड़े से सुख के लिए जल्दबाजी मत करना, इंक्वायरी करो, अंधविश्वास मत करना, सोच समझ कर कदम उठाना। क्योंकि साइड लड़की के साइड में पेड़ पे देखो एक सांप लिपटा हुआ है, तो लड़की की साइड से बोलती है कि थोड़ा सा सोच समझ के काम करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या होता है कभी कभार थोड़े से सुख के लिए भी आप कभी अंधे कुएं में ना गिर जाओ। तो यस करो, लड़का सही है या लड़की सही है, लेकिन सोच समझ कदम उठाना इंक्वायरी करने के बाद। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर अर्काना का 8वां कार्ड है द चैरिट। इसका अर्थ है विक्ट्री। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस इंसान के पास। ब्लैक और व्हाइट का मतलब है कि इसको सही और गलत की पहचान है, पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करके चलता है। और देखो ये जो रथ के पर तारी है, इसका मतलब यात्रा को दिखाता है कि किसी यात्रा पे जा रहा है और यात्रा करके उसको सक्सेस मिली है, कोई भी काम किया से सक्सेस मिली है। साथ में देखो बिल्डिंग्स है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इसके पास, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है और रिच फैमिली को बिलोंग करता है। हाथों में देखो स्टील की इसे पहने हुए है, इसका अर्थ है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत से आगे बढ़ा है। और देखो इसने दो चांद है, इसका मतलब इतने इमोशन को कंट्रोल कर रखा है, हमेशा हर चीज को बैलेंस करके चलता है। लेकिन जो इस पूरे कार्ड का जो मतलब ये है कि ये अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है। अगर फैमिली में कोई झगड़ा हो जाए तो अपनी फैमिली के झगड़े को कोर्ट कचहरी में लेके नहीं जाना। अगर आप कोर्ट कचहरी में लेके चले गए तो आप हार जाओगे। जैसे प्रॉपर्टी को लेकर कभी कभार घर में बहुत झगड़ा होता है कि प्रॉपर्टी मेरी से कर दो भाइयों के बीच में, तो इसका मतलब है कि आपको जो भी करना है अपने घर में झगड़े को सुलझाओ और बाहर मत लाना, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। ये विक्ट्री को शो करता है। लेकिन इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसको बैलेंस करके चलना चाहिए। बट दिस कार्ड इज पॉजिटिव, यस का कार्ड है। और स्पिरिचुअलिटी को शो करता है 7 नंबर, इसमें 7 नंबर लिखा हुआ है, तो स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। और इसमें आप तो देख रहे हो सिंबल बना हुआ है लव का, यानी कि ये लोगों को खुशियां देता है, प्यार भी देना जानता है।
ये फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, फैमिली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो सबको साथ लेके चलता है और हमेशा आगे बढ़ता है और जीत हासिल करता है। दिस कार्ड इज पॉजिटिव। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर कार्ड का नोवा कार्ड है द स्ट्रेंथ यानी हिम्मत। ये लेडीज देखो ये शेर है और इसके ऊपर देखो ओरा बना हुआ है यानी कि ये लेडीज जो है बहुत प्योर है। अब भगवान कनेक्शन ओरा जो बना हुआ ना 8 नंबर का इंफिनिटिव नंबर्स मतलब कि ये इस पर डिवाइन की ब्लेसिंग है और पूरा कार्ड येलो है यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है शेर यानी कि इसको जो रिप्रेजेंट किया दुर्गा माँ से यानी कि इस औरत में इतनी ताकत है कि ये शेर के मुंह में भी हाथ डाल सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है और किसी से नहीं डरती। तो ये कार्ड यस का कार्ड है और इसमें आप देख रहे हो नीचे पहाड़ बने हुए लेकिन दूर है थोड़े से यानी कि कोई भी आप काम करो सक्सेस तो आपके पास मिलेगी लेकिन थोड़ा थोड़ी सी टाइम के बाद मिलेगी, एकदम सक्सेस नहीं मिलेगी। हमेशा गिव अप मत करना, डटे रहना और अपनी हिम्मत से अपनी बहादुरी से आप कोई भी काम कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है। जिससे जैसे लेडीज का जो फिगर दिखाया ना कभी कभी प्रेडिक्शन में आता है कि क्या मैं काम कर सकती हूँ। यस तुम कर सकते हो काम कि तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर स्ट्रांग है, तुम्हारी इतनी इंट्यूशन स्ट्रांग है और इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम जो चाहे काम कर सकते हो। दिस कार्ड इज यस पॉजिटिव कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मेजर कार्ड का 10वां कार्ड है द हर्मिट। इसका अर्थ है कि ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं, डिप्रेशन होते हैं, कोई इनके पास नहीं होता, कोई से बात नहीं करता। देखो ये अकेला है, हाथ में डंडा है एक लैंप है यानी कि अपने लिए कोई दिशा ढूंढ रहा है, डायरेक्शन ढूंढ रहा है कि मुझे क्या करना है। एक वाइट दाढ़ी है, एक्सपीरियंस तो है। कई बार जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं अपनी बातों को कहते रहते कि मैंने ये किया मैंने वो किया तुम ये करो, बिना बात पर सलाह देती है, बड़बड़ करते रहते हैं सारे दिन कि मैंने जो किया तुम वो काम करो। लेकिन वो भूल जाते हैं कि वक्त के साथ में बदलना पड़ता है। ऐसे लोग वक्त के साथ नहीं बदलते, हमेशा अकेले रह जाते हैं और कोई इनके साथ नहीं रहता है। तो ये कारण है सैडनेस का, दुखी का, डिप्रेशन का। ये कभी कभी ऐसे लोग अपने ईगो में फंसते हैं कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अकड़ू टाइप की, किसी की नहीं सुनना, चाहे बाद में उसको कितनी तकलीफ हो रही हो, अकेलापन हो लाइफ के अंदर।